सर दर्द से पटा जा रहा है, पता नहीं क्यों। नवाब, ए नवाब बात सुन, कुछ चाय वाय नहीं पूछेगा आज हमें? कहाँ गई सारी, मर गई सारी नौकरानियाँ। ओ नवाब किधर देख रही है, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। हैं अम्मा, साजिदा ने मेरे साथ कितनी ज्यादती की ना, कैसी महरूमी से मैंने जिंदगी गुजारी, और ना ये पूरा घर सब कुछ मेरा होता ना आज। अगर आप देखना अम्मा, नवाब नवाब बन के दिखाएगी, देखना। नायला का दिन भी उसके घर की तरह कितना बड़ा है ना। बिल्कुल ठीक है, हम तो उसकी बराबरी नहीं कर सकते। खानदान वालों की आंखें चीजें देख के फटी की फटी रह गई। हाँ लेकिन वो जल्दी से शादी की तारीख मांग लेना, ताकि मेरी सलाह जल्द से जल्द घर की हो जाए। हैं तुझे तो पता है ना, सबकी नजरों में आ चुके नजर लगती है। सही कह रही हो, लेकिन देखना कोई सोच भी सकता था सना की शादी हमारे हमजा से होगी। हो गई ना मंगनी, ऐसे ही फटाफट शादी भी हो जाएगी। ये बात तो सच है, जो भी किया है ना वो मेरी नानो ने किया है। कैसे पासा पलट दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। वैसे मैं कभी झूठ तो नहीं, मेरा मतलब झूठ बोलती हूँ, लेकिन छोटे छोटे से झूठ बोलती हूँ। तब बड़ा झूठ मैंने पहले कभी नहीं बोला था, लेकिन मेरी सना की मोहब्बत में मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन नवाब कभी कभी सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है मेरे। अल्लाह मेरे मुझे माफ करेंगे या नहीं? कर देंगे। माँ इसका बोलो ऐसी बातें, आने जाने वालों का घर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? तो क्यों परेशान होती है? ये राज जो है ना, राज जो है मेरे साथ मेरे कब्र में जाएगा। दुनिया में जो मुझे लोग मौजूद है ना, जिंदा लोग मेरे बारे बोलता नहीं, उनके कान में भिनक तक नहीं पड़ेगी इसकी। ते पक्के होते मेरा काम। लेकिन नवाब जब से मैंने झूठ बोला है ना सना, मेरे जिस्म में आग लगी हुई है, जैसे किसी ने भट्टी में मुझे डाल दिया हो, जैसे मैं चने की तरह भून रही हूँ किसी भाड़ में, भस्म न हो जाऊँ। अल्लाह वहम हो गया तुम्हें, वहम की बीमारी। एक बात सुनो, अगर अल्लाह तुमसे नाराज होते ना तो दानियाल नहीं मरता, तुम मरती। तुम्हें लेने आते फरिश्ते, लेकिन नहीं लेने आए ना। जिंदा हो, सलामत हो, खा रही हो, पी रही हो, मजे में हो ना, तो बस अल्लाह नाराज नहीं है। तेरी क्या सोचती रहती हो, बस करो अम्मा। जाओ जाकर देखो घर के नौकरों पर रोब रखो, रोब जमाओ ना, हम पे तो बड़ा जमाती हो। मैं चाय बनाती हूँ, चाय बनाई तुम, साथ में बिस्किट भी लाऊंगी। तुम्हें कुछ खाना पीना पड़ेगा, यहाँ मेहमानदारी का कोई रिवाज नहीं। ये क्या करे, इधर सफाई होती है सर से, है बड़ा कपड़ा लेकर आ, सफाई कर रही है, झाड़ रही है, क्या कर रही है? शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो देखने को मिली, कल से चुपती फिर रही थी। वैसे अच्छा नहीं किया तुम, खालू के जनाजे पर मुझे रोक कर। यहां क्यों आए हो तुम? क्या है रानिया, क्या बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि मैं शोहर हूं तुम्हारा, कहीं भी आ जा सकता हूं, सवाल तो मेरा बनता है। तुम मेरी इजाजत के बगैर समझा के साथ यहां क्यों आई? घटिया बेजमीर इंसान हो, यहां मेरा बाप मर गया था, मुझे यहां लेकर आने के बजाय तुम खुद कहीं निकल गए।
इसीलिए तो तुम्हें मौका मिल गया अपने पुराने आशिक के साथ मुलाकातें करने का अपने मैं क्या कर। हाँ? दफा हो जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। मत भूलो रानिया बीबी। अब तुम यतीम हो चुके हो, अब तुम्हारा असल वारिस मैं ही हूं। तुम्हें मेरी बहुत जरूरत पड़ेगी। मैं तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करती। सोच समझ कर बात करो जानेमन। ले दे गए तुम्हारे पास वो बीमार बेवा माई तो बची है, पर अब वो भी हमारे ही रहमो करम पर है। हुँ? कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वो सोते हुए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तुम बैठो। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन याद रखना तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी अपने साथ ही ले डूबे। कोई सोच भी सकता था सना की शादी हमारे हमजा से होगी? हो गई ना मंगनी, ऐसे ही फटाफट शादी भी हो जाएगी। ये बात तो सच है, जो भी किया है ना वो मेरी नानो ने किया है। कैसे पासा पलट दिया मुझे तो यकीन ही नहीं आता।